नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संगीत हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। संगीत में एक हीलिंग टच है और इसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। आज मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले दिनों जब पूरी दुनिया के सामने स्थितियां मुश्किल थीं, लॉकडाउन का समय था, तब किस तरह कलाकारों को संगीत ने ताकत दी इस चुनौती से लड़ने के लिए। और आज जिस कलाकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उन्होंने तो एक इतना गजब का एक्सपेरिमेंट किया कि रातों रात उन्हें मिली बहुत ढेर सारी कामयाबी, बहुत ढेर सारी बड़ी पहचान। तो सबसे पहले मैं बेहद प्रतिभाशाली, बेहद युवा और काबिल कलाकार, कथक डांसर आकृति जैन को आमंत्रित कर रहा हूं। आकृति, रागगिरी के यूट्यूब चैनल से जुड़ने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शिवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने रागगिरी जैसे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकृति, जैसा मैंने आपके परिचय में कहा भी कि आपने तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जिससे रातों रात आपको लोग बहुत जान गए, आपको ढेर सारा प्यार मिला, बहुत सारी शुभकामनाएं मिली, ये आइडिया कैसे आया कि घर की जो छत है उसको ही स्टेज बना दिया जाए? जी, छत की अगर बात करें तो उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जो मेरी ताई जी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो भी चित्रकार हैं, तो आर्ट एक उनके अंदर है ही, तो उन्होंने गार्डनिंग का उनको शौक था, तो उन्होंने छत पे ही प्लांट्स वगैरह लगाए और वो प्लांट्स को भी उन्होंने थोड़ा इस तरह से सजाया कि वो देख करके थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है, थोड़ा आर्ट से रिलेटेड उस तरह का लुक हो गया है अब वो। तो मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ पे कभी कोई वीडियो बनाऊंगी, पर इस वीडियो की उम्मीद नहीं थी कि ये वाला इतना फेमस हो जाएगा। चलिए आकृति, आप बातचीत शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से, और शुरुआत तो यहीं से कि आपके आपकी जो कथक की तालीम शुरू हुई उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे कथक कैसे आया आपके जीवन में? तो कथक की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो काफी अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने चित्रकला में, स्कल्पचर्स मेकिंग में एंड वादन, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, इस तरह के शौक उनके रहे। उन्होंने भातखंडे यूनिवर्सिटी में वायलिन बजाना भी सीखा, तो वो काफ़ी जाने माने आर्टिस्ट रहे। तो उनकी उनका सपना था कि हमारे घर से कोई एक ऐसा आर्टिस्ट निकले जो कि डांस में भी हो, क्योंकि घर में मेरी मम्मी जो है वो वोकल से हैं एंड मेरी ताई जी वो भी बहुत अच्छी चित्रकार हैं, तो संगीत का माहौल बचपन से ही हमारे घर में रहा। बट एक डांसर, उनको लगा कि हमारे घर में कोई डांसर नहीं है, तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि इसको आप डांस में ही डालो। तो बचपन से ये रहा कि मम्मी ने भी मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं, डांस सीखना है ऐसा वैसा। फिर शुरुआत में तो मैंने भरतनाट्यम सीखा, 3 साल मैंने भरतनाट्यम सीखा, उसमें मुझे ज़्यादा रुचि नहीं रही। और उसी बीच जब मैं सीख रही थी भरतनाट्यम, उसी बीच मैंने एक कथक का परफॉर्मेंस देखा, वो लाइव शो था, मुझे वो इतना पसंद आया कि मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे जो है कथक सीखना है। तो मम्मी ने मुझे वही कहा कि ठीक है, कोई भी डांस फॉर्म चलेगा तुम्हें, चाहे भरतनाट्यम सीखना है या कथक सीखना है, वो आपके ऊपर है, वो आपकी चॉइस है, आपको जो भी सीखना है। तो इस तरह से फिर शुरुआत हुई कि मम्मी ने मुझे कथक में डाला। एंड हमारे घर में एक माहौल हमेशा से रहा कि पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई करो जो भी है उसमें, बट जो भी आपकी आर्ट है उसके पीछे जो एक लगन होती है वो, उस चीज़ के लिए हमें हमेशा फोर्स किया गया सॉर्ट ऑफ। बट हाँ, हमें काफ़ी मज़ा भी आया। और फिर एक बार इस, ये कला ही ऐसी है कि एक बार जिसका मन लग जाए तो फिर वो रुकता नहीं है। आकृति, आपने जो तालीम ली है कथक की वो आपने ली है लखनऊ और रायगढ़ घराने से। जो रागगिरी के यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि हर कला के अलग अलग घराने हैं, शास्त्रीय संगीत के अलग अलग घराने हैं, वैसे ही कथक के भी अलग अलग घराने हैं, और 2 घरानों से तालीम ली है आकृति ने। तो आकृति, ये एक्सपीरियंस कैसा था ये बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि अगर हम आसानी से समझना चाहें कि रायगढ़ की जो कथक परंपरा है और लखनऊ की जो कथक परंपरा है उसमें क्या बड़े बदलाव हैं, क्या बड़े अंतर हैं, तो वो आप हमें बताएं प्लीज। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादा लोग ये नहीं समझ पाते कि उसके घरानों में इतना अंतर होगा कि
हमारा जो एक एक मूवमेंट है, एक एक पोस्चर है, वो तक बदल जाता है। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा ऑफ कोर्स, रायगढ़ से लखनऊ सीखने का। रायगढ़ घराने में इतने साल मैंने उसकी प्रैक्टिस करी और फिर एकदम से ये शिफ्ट आया लखनऊ की तरफ, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा क्योंकि हमने जो तालीम ली वो बहुत अलग थी और इसमें थोड़ा नज़ाकत, थोड़ी सॉफ्टनेस ज़्यादा थी। बट हाँ, मैं अभी भी, आज भी मैं पूरा नहीं कहूँगी कि मुझे लखनऊ घराना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम लगता है हर चीज़ को अडेप्ट करने में। बाकी जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, रायगढ़ घराने में, रायगढ़ घराने के बोल बहुत अलग हैं एज़ कम्पेयर टू लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में थोड़ी नज़ाकत, थोड़ी सॉफ्टनेस ज़्यादा है। रायगढ़ में थोड़े चक्कर, फुटवर्क, ये सब ज़्यादा होता है। लखनऊ घराने में थोड़ा अंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आपका एक एक अंग किस तरह से जा रहा है, आपकी थाट किस तरह से है, आप गत निकास किस तरह से कर रहे हैं, ये सॉफ्टनेस पे ज़्यादा काम किया जाता है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि लखनऊ घराना सिर्फ सॉफ्टनेस पे है, इसमें तेज़ी तैयारी के बोल भी हैं। बहुत बहुत खूबसूरत ही चीज़ है, बहुत अलग ही चीज़ है। मैं इतना अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती कि किस तरह से मैं कथक को देखती हूँ इन दो घरानों में। अच्छा, एक एक आकृति, एक सवाल ये भी कि एक तो कथक की परंपरागत जो परिभाषा है कि जो कथा कहे वही कथक, कथक वही है, कथा कहने का एक तरीका है, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, जो आपकी उम्र के कलाकार हैं या आपसे भी जो यंगस्टर्स हैं, वो किस तरीके से कंसीव कर रहे हैं इस आर्ट फॉर्म को? क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर भारत का अगर देखा जाए तो जो शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्रचलित, सबसे पॉपुलर फॉर्म है वो कथक है, तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस डांस फॉर्म को? मुझे लगता है कि जो कथक का बैकग्राउंड है वही आज की जनरेशन भी फॉलो कर रही है, बस सबका अपना अपना कथा कहने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है, वो जनरेशन की वजह से है। बाकी मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो जो तालीम मिली है, जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया, मैं उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रही हूँ बिना कुछ उसमें इधर उधर कुछ करे। बाकी हाँ, एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर होते हैं, लोग करते हैं, आजकल की जनरेशन तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। वो अब किस तरह से कथक को इन्फ्लुएंस करता है उस पे डिपेंड करता है। और आपको तो मतलब कथक का पर्याय, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, पंडित बिरजू महाराज जी को आपको उनसे भी सीखने का मौका मिला है, क्या कुछ नया सीखा आपने उनसे या क्या कुछ ऐसा सीखा आपने जो आपको ताउम्र याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, महाराज जी का वो मास्टर स्ट्रोक जो आपके दिमाग में रहे हमेशा? जी, सबसे पहले तो ये मेरे बहुत ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मेरे को महाराज जी से इतना सा ही सही सीखने का मौका मिला, क्योंकि उनकी तो इतनी सी जो टिप होती है वो भी उतना भी आप सीख जाओ तो बहुत है। तो उनकी एक बात मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो याद है आज तक, जिसको मैं अपने अभिनय में हमेशा ध्यान में रखती हूँ, वो थी हमारी नज़र। हम जो भी एक्शन दिखा रहे हैं, हमारी ऑडियंस तब तक कन्विंस नहीं होगी जब तक हम अपनी आँखों से भी वही चीज़ ना बताएं। जैसे कि उनका एक एग्जाम्पल था कि अगर कोई व्यक्ति जिसे हम पसंद करते हैं वो दूर खड़ा है, हमें दिख रहा है कि वो आ गया है शायद, और हम एक्शन के साथ कर रहे हैं कि वो आ गया है, वो तो ये नहीं समझ आएगा कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत दूर खड़ा है। उसके लिए हमारी आंखों को भी मेहनत लगेगी कि वो दूर है, तो हमें देखने में भी थोड़ी मेहनत लगेगी कि वो है भी कि नहीं है। तो उनका एक एग्जाम्पल था कि वो वहां खड़ा है, इससे ऑडियंस को नहीं समझ आएगा कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारी आंख का सबसे ज्यादा महत्व है कि वो शायद है वहां। जब तक हम कोई भी चीज को अपने आंखों से नहीं शो करते हैं, वो हमारी बात ऑडियंस तक पहुंचती ही नहीं है। आकृति, आपने जो भारत में तमाम बड़े फेस्टिवल्स होते हैं डांस के, आर्ट के, म्यूजिक के, उसमें आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है वो किस तरीके से देखती हैं? आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं कथक को लेकर? मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई भी इवेंट में जाएं या किसी भी फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे वो है किस चीज़ के ऊपर, वो इवेंट
किस चीज के लिए है, वो क्या उसका उद्देश्य है, और वहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, वो हमारे किस तरह के हमारे डांस फॉर्म को देखना चाहते हैं, किस स्टोरी को वो देखना चाहते हैं। तो हमारी ऑडियंस पे सबसे ज़्यादा हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, और मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ कि वो ऑडियंस मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और कोशिश यही रहती कि मैं उन्हें वही दे सकूँ। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कथक में मुझे, वैसे सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स तो पसंद नहीं है, क्योंकि उससे वो जो उसकी जो बेसिक चीज़ है वो खो जाती है। बट हाँ, एक्सपेरिमेंट्स की जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है वो सब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही ज़्यादा सही है। बाकी हाँ, जहाँ तक ऐसी जो पुरानी स्टोरीज चली आ रही हैं कृष्ण राधा की या शिव भगवान की, उसमें हम क्या अलग दिखा सकते हैं कथक के दायरे में रह के, हम अपनी आर्ट को किस तरह से निखार के ऑडियंस को दिखा सकते हैं। कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसा ही परफॉर्म करें जो ऑडियंस को पसंद आए। आकृति, आगे बढ़े इससे पहले कुछ कोई थोड़ा कोई परन जो आप हमें दिखाना चाहें, विशुद्ध शुद्ध रूप से, मतलब शास्त्रीय कथक नृत्य के कुछ हिस्से जो आप हमें दिखाना चाहें। हम जानते हैं कि आप अगर मतलब बिरजू महाराज जी से भी पहले की जो पीढ़ी रही उनके घर में, वहां से अगर शुरू करें, शंभू महाराज जी से शुरू करें, अब तक की पीढ़ी में आए, तो हम जानते हैं कि फिल्म जो है, फिल्मी दुनिया जो है, उसमें भी शास्त्रीय नृत्यों में कथक का इस्तेमाल काफी काफी किया गया है। चाहे आप बिरजू महाराज जी ने माधुरी दीक्षित को ट्रेन किया, कमल हसन साहब को ट्रेन किया, तो क्या कहीं आप जो है इस तरह की तैयारी में है कि कोरियोग्राफी जो है उसको बॉलीवुड के हिसाब से किया जाए, और क्या ये जो एक्सपेरिमेंट आपका था ये उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम माना जाए? जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस वीडियो के बारे में मैंने इतना कभी सोचा ही नहीं था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि लोग इसको पसंद करेंगे, वो भी इतना, तो ऐसी कुछ सोच के तो नहीं बनाया था। बाकी जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, वहां की कोरियोग्राफी का सवाल है, मौका कभी मिलेगा तो जरूर करूंगी, खुशी से करूंगी, बाकी ऐसी कुछ प्लानिंग कभी भी नहीं की है। आकृति, एक कोई और प्रस्तुति आपकी हम अपने अपने चैनल पर देखना चाहेंगे, रागगिरी के लिए देखना चाहेंगे, जो किसी आप फिल्मी गीत पर करना चाहें, जैसी भी आपकी इच्छा हो, लेकिन कोई एक प्रस्तुति कथक की और आपके जरिए। भवानी दयानी त्रिगुण धारिणी धान भैरविता न दुर्ग सिद्ध सरस्वती चंडी पार्वती दुर्ग दुर्गति घंटा शुमनि शुंभनि काम खिट धन नाना धा नंद धग सुनंद गौरी वैष्ण देवी सुगंध दश भूज त्रयो नेत्र सिंह बाहिनी कांत नगर शरण ने त्रंबके गौरी नारायणी नमस्तु ते 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 नगर शरण ने त्रंबके गौरी नारायणी नमस्तु ते 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 नगर शरण ने त्रंबके गौरी नारायणी नमस्तु। अच्छा कृति, जैसा मैं भी कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था कि आप भारत के जो तमाम प्रतिष्ठित फेस्टिवल्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो जब आप किसी बड़े प्रोग्राम में जाती हैं या एक नया कलाकार जब किसी नए प्रोग्राम के लिए जा रहा होता है, तो वो अपनी जो विषय वस्तु है उसका चयन कैसे करता है? क्या आप वही परंपरागत कृष्ण राधा या इस तरह की चीजें जो हम कथक में बहुत बार देख चुके हैं, आप उसी कड़ी पे आगे बढ़ती हैं, या आप कुछ नया सोचती हैं, कुछ ऐसा सोचती हैं जो एक्सपेरिमेंटल हो और आप उसको फिर एक तरीके से कोरियोग्राफ भी करें और उसमें परफॉर्म भी करें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि
एक जो आर्टिस्ट होता है वो थोड़ा फ्री फ्लो के साथ चलता है, वो कभी सोच के नहीं चलता कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है और मैं इस काम को इसी तरीके से करूँगा, या आज से 10 साल बाद मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँगा या मैं क्या कर रहा हूँगा। आई डोंट नो, मतलब सबकी अपनी अपनी अपना अपना तरीका है अपने आर्ट को आगे ले जाने का। मैं जैसा फ्लो चले उसी तरीके से मैं भी चलूंगी, तो ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं है मैंने, देखते हैं आगे क्या होता है। आकृति, मैंने खुद भी तमाम आपके वीडियोस देखे और कई कोरियोग्राफी तो आपने फिल्मी गानों पर भी की है और वो खासी लोकप्रिय हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। तो ये जो रिस्पांस रहा, क्या आपको कभी ये मन में हिचक थी कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि घर की छत पर आप एक शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति करेंगी, तो कहीं इस बात का डर कभी था क्या कि ये बैकफायर भी कर सकता है, लोग इसके लिए आपको आपकी आलोचना भी कर सकते हैं? नहीं, पूरी सच्चाई से बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को ये वीडियो इतना पसंद आया ही नहीं था, ये एक सच बात है। ये वायरल जरूर हो गया, इसको बनाए हुए मुझे कुछ 1-2 महीने हो गए थे, मैंने इसको एडिट नहीं किया था, यही सोचकर कि इतना अच्छा नहीं है, कुछ और बनाऊंगी, कभी डालूंगी, इसको देखते हैं, ऐसा सोच के। बट फिर एक दिन मुझे लगा चलो यार मैं कर देती हूँ इसको एडिट और देखते हैं क्या होगा। वो किया, इतना लोगों ने पसंद किया, इतनी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, तो यहाँ तक तो मैं सोच ही नहीं पाई कभी भी कि किसको पसंद आएगा, क्या लोग बुराई करेंगे, मुझे इतना कभी सोचा ही नहीं मैंने इस बारे में।